है थे। और आप डर के भाग गए? अरे मेम साहब, अगर डर के भागता नहीं तो आज आपके दर्शन कैसे होते? बस आज मिल जाने दीजिए साले को, चुकरा फिर बिगाड़ दूंगा। भगवान करे मिल जाए। हेलो भगवान ने आपकी सुन ली। नहीं नहीं दार्जिलिंग यहाँ से कितनी दूर है बाबा? जितनी दूर तेरा ससुराल। मेरा के तेरा? काश हमारा होता। अरे वो आ गया। Come on, come on, let's go. चलो। Come on, girls. तो फिर खा लो पी लो जवानी के दिन गा लो। मैंने कहा जी आप भी कुछ खा लो जी। बकवास। ओए होए अजी सुनिए तो। कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ मान भी जाओ मान भी जाओ। कहाँ चल दिए इधर तो आओ मेरे दिल को न ठुकराओ, बोले सितम कर मान भी जाओ मान भी जाओ मान भी जाओ। कहाँ चल दिए। शरारती कहीं थी ये खिला दो तुम्हारा तार मेरे लिए। मुझे आज ही कलकत्ता जाना होगा, डैडी ने फौरन बुलाया है। Passengers traveling to Calcutta by flight 202. मान्यवर चित्रकूट, इनकी शंका दूर की, ये अपनी मृत्यु स्वीकार नहीं करते। आश्चर्य, सतयुग से लेकर आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया। तरुण कुमार पिता क्षमा कर, तुम इस मनुष्य के प्राण भूल से लाए हो, अभी इसकी मृत्यु नहीं है। अरे स्वामी जी मैं मरा नहीं। नहीं मनुष्य। हाय हाय स्वामी जी छा गए नेवर बी फोटो पे। परंतु मनुष्य तुम्हारा शरीर धरती पर है, उसमें फिर से तुम्हारे प्राण डालने होंगे। तो जल्दी कीजिए महाराज, वरना अपने शरीर को तो कौवे खा जाएंगे, वो भी दार्जिलिंग के मोटे मोटे। घबराओ नहीं मनुष्य, हम स्वयं चलकर ये काम अपने हाथों से करेंगे। ना बेटे ना, तू वहां मत जाना, वो लोग नीच है कमीने, और आज तुम उनसे दया की भीख मांगनी जाओगी। ठीक नहीं, इंसाफ मांगूंगी वरना मैं उनकी जान ले लूं। प्रिया एक बार तू झूठ मूठ मरा था, आज सचमुच। इन लोगों ने तुम्हारा शरीर जला दिया, अब क्या होगा महाराज? अब फिर आ गई साहब, आपसे मिलना नहीं चाहती, आप अंदर नहीं जा सकती। आज मिलकर ही जाऊंगी, समझ कर रखा है के साहब ने। देखिए अगर आपने जबरदस्ती की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आहिस्ता बोलिए, ये शरीफ आदमी का घर है। लानत है उसकी शराफत पर जो दूसरों को इंसान ना समझे, मतलब ही धोखेबाज। अगर मेरा बस चले तो उसे जान से मार डालो। ये लड़की भी टीके को जान से मार देना चाहती है, क्यों ना इसी से फायदा उठाया जाए। महाबली न्याय, आप ही कोई उपाय बताइए। इस आत्मा को किसी दूसरे शरीर में डाल दिया जाए। क्या कहा? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। शांत धीरज से काम लो। अरे छोड़िए स्वामी जी, आप तो कमाल बात करते हैं। अगर इन लोगों ने मुझे किसी दूसरे के शरीर में डाल दिया तो मेरी प्रिया मुझे कैसे पहचाने? सब पहचाने, तुम्हारे स्वरूप ने ही तो यमदूत से यह भूल करवाई है।
मेरे ख्याल से आपके पिताजी बिल्कुल बेकसूर हैं। हाँ, मैंने दफ्तर से अकाउंट्स की डिटेल्स का पता कर लिया है और भैया को भी मना लिया है आपसे मुलाकात करने के लिए। मैं अभी चलती हूँ। अभी नहीं। तो फिर? आज शाम को। अच्छा। ठीक 7 बजे भैया ने वक्त दिया है मिलने का। मैं जरूर आऊंगी। बोलिएगा नहीं? नहीं। जय धरती मैया, जय धरती मैया। महाराज वो आदमी क्या कर रहा है? गोली मारने की तैयारी कर रहा है। किसे? ने भाई को। हेलो मिस प्रिया। हेलो प्रेम साहब, मुझे देर तो नहीं हुई? नॉट एट ऑल, आप बिल्कुल सही वक्त पे आई। आइए, भैया लाइब्रेरी में आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए। ए भैया रुको, स्वामी जी वो तो अंदर जा रही है। जो प्रभु की इच्छा। मिस्टर टीके। तुमने मेरे भाई का खून किया। जाओ प्रवेश करो। जो आज्ञा महाराज। आइए इंस्पेक्टर साहब। गुड इवनिंग मिस्टर टीके। गुड इवनिंग। आपके भाई प्रेम ने फोन किया है कि आपका खून हो चुका है। जी खून? जी। कांस्टेबल इन्हें जाने दो। आई एम सो सॉरी मिस्टर। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं सच कहता हूँ भैया, वो लड़की बड़ी शैतान है। उसने आपको जान से मार देने की धमकी दी थी और उसने मुझे बताया क्या गुड मॉर्निंग सर। मिस अरुणा रीना घोष का टेलीफोन आया था कि वह शाम को पार्टी में आ रही है और मिस्टर जॉन टेलर आपसे मिलने के लिए 3 बजे ऑफिस में आएंगे। सर आज रात की पार्टी में कुछ नए नाम भी होंगे? लिबास पसंद कीजिए सर। तैयार है सर। मैं कौन? सर आप हमारे मालिक हैं सर। मालिक? जी सर। तो तुम लोग सब मेरा हुक्म मानोगे? जी सर। मालिक तो सब लोग गेट आउट। जाते क्यों नहीं? गेट आउट। इधर इधर। हमारे लिए एक कप चाय। ये आजकल के छोकरे बड़े उल्लू के पट्टे हैं, खाम खा लड़की के बाप से डरते हैं। मेरे तुम्हारे बीच में अब तो ना पर्वत ना पागल, जिस दिन रहे ख्यालों में तुम अब हो जाओ जागर, अब आन मिलो सजना। दूर हो तुम और कितने पास, कब आओगे? देखो तो सही प्रिया, संजय चलो ड्राइवर। पार्क में तुम्हारे साथ कौन था? वही तो था संजय।
वही संजय था? हाँ डैडी, वो यहाँ ना आ सका, कहने लगा जब तक मैं कुछ बन नहीं जाऊंगा मैं तुम्हारे डैडी से नहीं मिलूंगा। यकीन नहीं आता आपको? इसलिए कि वो संजय नहीं था। ओ डैडी, मैं तो सिर्फ यही जानती हूँ कि जो पास में मेरे साथ था वही संजय था। लेकिन बेटा, तुम्हारा संजय संजय के अलावा कुछ और भी। हमको विश्वास है कि आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा। एक तो स्वीट प्रपोजल है, हम चलता है। ठीक है, तुम भी हो। जो आप कहना चाहते हैं मैं जानती हूँ पीके साहब। कैसे समझाऊं तुम्हें? चले जाइए यहाँ से। ओह, बहुत खूब, तो अपने आप को भी पहचानने से इनकार कर रहे हो। हाउ क्लेवर। यकीन मानो रीता, मैं टीके नहीं, टीके मर चुका है। लेकिन मेरा टीके जिंदा है। गुजरे हुए दिनों को भुलाने की कोशिश मत करो। मत भूलो कि पिछले साल स्विट्जरलैंड में तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी, और उस शादी का सर्टिफिकेट अब तक मेरे पास है। मैं आज तक खामोश रही, लेकिन अब मैं सारी दुनिया को कह दूंगी कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी। अगर अब भी मुझे खामोश देखना चाहते हो तो घर आके फैसला कर सकते हो। आज रात ठीक 8 बजे। उसने कई रातें मेरे साथ बिताई है। जरूर बिताई होंगी। और आज रात को भी वो मेरे साथ होगा, मैं सच कह रही हूँ। भला आप झूठ बोल सकती हैं? नहीं। अगर मिलने को जी चाहे तो इस पते पे तलाश करना। भगवान के लिए मुझे आजाद कर दो। आजाद कर दो? किस लिए? आज तक मैं तुम्हारे जाल में फंसी हुई थी, अब तुम फंसे हो। मुझे इसी दिन का इंतजार था। मुझे बर्बाद करके तुम्हें क्या मिलेगा रीता? मेरी बर्बादी की कीमत तुम्हें अय्याशी के लिए जिस्म चाहिए था और मुझे